आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के इस लेक्चर सीरीज में आज हम सेक्शन 67 विच टॉक्स अबाउट रोल ऑफ कंसिलिएटर इस पर्टिकुलर सेक्शन से डील करेंगे। अपने अब तक के वीडियोस में हमने कंसिलिएशन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को जाना, हमने सेक्शन 61, 62, 63, 64 और सेक्शन 65, इन सभी सेक्शंस को डिटेल में कवर किया। आज इस वीडियो में हम सेक्शन 67 जो कि रोल ऑफ कंसिलिएटर के बारे में बात करता है कि द कंसिलिएटर हु इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड बाय इंस्टीट्यूशन और पार्टीज, तो उसे क्या परफॉर्म करना है, व्हाट आर द मेजर फंक्शंस व्हिच दैट पर्टिकुलर कंसिलिएटर हैव टू परफॉर्म। तो सेक्शन 67 डील्स विथ रोल ऑफ कंसिलिएटर, राइट। तो आइए हम बात करते हैं सेक्शन 67। पहला पॉइंट, द कंसिलिएटर शैल असिस्ट दी पार्टीज इन एन इंडिपेंडेंट एंड impartial manner in their attempt to reach an amicable settlement of their disputes। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जब हमने सेक्शन 64 को पढ़ा विच टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएटर्स, तो हमने ये जाना कि जिस भी इंस्टीट्यूशन को या जिस भी पर्सन को पार्टीज अप्रोच करेंगी फॉर द कंसिलिएटर्स, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या उस पर्टिकुलर पर्सन को ये इंश्योर करना है कि जो कंसिलिएटर हो वो इम्पार्शियल हो, वो इंडिपेंडेंट हो और वो जो भी डिसीजन दे, जो भी सेटलमेंट कराए, वो किसी अदर पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर के ना करे, राइट। तो सेक्शन 67 जो कि रोल ऑफ कंसिलिएटर के बारे में बात करता है, तो सबसे पहला रोल कंसिलिएटर का यही है कि वो पार्टीज को असिस्ट करे इन एन इंडिपेंडेंट एंड इन एन impartial manner और एक amicable settlement of disputes, इस तरह से उनके disputes को settle कराए amicably, मतलब एक ऐसा रास्ता जो दोनों के interest को ध्यान में रखते हुए हो, right। दूसरा क्या है, conciliator shall be guided by principles of objectivity, fairness and justice। Giving consideration to, among other things, the rights and obligations of parties, the usage of trade concerned and circumstances surrounding the disputes, including any previous business practices between parties। तो जो conciliator है, he must follow the guided principles of objectivity, fairness होना चाहिए conciliation proceedings में, justice का concept होना चाहिए जो दोनों parties के interest में हो, giving consideration to, among other things, द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज, और कंसिलिएटर को पार्टीज के भी क्या राइट्स हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं,
उन्हें भी कंसिलिएटर डिस्क्लोज करें, उन्हें भी बताए, राइट। द यूसेज ऑफ ट्रेड कंसर्न एंड सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द डिस्प्यूट्स इंक्लूडिंग एनी प्रीवियस बिजनेस प्रैक्टिसेस बिटवीन पार्टीज। तो सिंपल, कंसिलिएटर को वॉइल इनिशिएटिंग कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स ये इंश्योर करना है कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स मस्ट बी ऑफ फेयर इन नेचर, मस्ट इंश्योर द जस्टिस बिटवीन टू पार्टीज, राइट। और कंसिलिएटर को पार्टीज के भी क्या राइट्स बनते हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं, उन्हें भी टाइम टू टाइम पार्टी से कम्युनिकेट करना है। तीसरा क्या है, कंसिलिएटर मे कंडक्ट द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स इन सच अ मैनर एज ही कंसिडर्स एप्रोप्रिएट, टेकिंग इनटू अकाउंट द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस। तो कंसिलिएटर को हमेशा ये इंश्योर करना है अपने तरफ से कि जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स हों वो अपने आप में अप्रोप्रिएट हों, अपने आप में राइट हों, राइट। टेकिंग इनटू अकाउंट द सर्कमस्टांसेस ऑफ केसेस विच पार्टी में एक्सप्रेस, इंक्लूडिंग एनी रिक्वेस्ट बाय पार्टी दैट कंसिलिएटर हियर ओरल स्टेटमेंट्स एंड द नीड फॉर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। तो कंसिलिएटर को डिस्प्यूट्स के सब्जेक्ट मैटर को ध्यान में रखते हुए कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करना है और एक अप्रोप्रिएट कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करना है जो फेयरनेस, जो जस्टिस पर डिपेंड हो, जो दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट में हो, राइट। और अगर पार्टीज रिक्वेस्ट करती हैं किसी पर्टिकुलर बात को लेकर के, तो उन रिक्वेस्ट को भी वो सुने और जो डिस्प्यूट है उसे जल्दी से जल्दी सेटल कराने का कोशिश करें कंसिलिएटर। और लास्ट है, कंसिलिएटर मे एट एनी स्टेज ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स मेक प्रपोजल फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। Such proposals need not be in writing and need not be accompanied by statements of reasons thereof. तो conciliator को हमेशा ये effort करना है कि conciliator parties को help करे कि उनका जो dispute है वो जल्दी से जल्दी resolve हो जाए। conciliator को timely parties को ये प्रपोजल देना है कि आप अपने डिस्प्यूट को इस तरह से जल्दी से, दिस इज द एप्रोप्रिएट वे टू सॉल्व योर डिस्प्यूट, और अगर आप इस रास्ते को अपनाते हो तो ये आप दोनों के इंटरेस्ट के फेवर में है, ये एप्रोप्रिएट डिसीजन होगा, ये बेस्ट सोल्यूशन होगा। और ये जो प्रपोजल वो देगा, इट नीड नॉट बी इन राइटिंग, कि ये जो प्रपोजल हो वो राइटिंग में ही हो कंसिलिएटर के द्वारा। तो दीज आर सम मेजर रोल्स विच कंसिलिएटर हैव टू प्ले वॉइल कंडक्टिंग कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स और वॉइल एंटरटेनिंग द डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टीज, राइट। अब सेक्शन 69, कम्युनिकेशन बिटवीन कंसिलिएटर एंड पार्टीज। द कंसिलिएटर मे इनवाइट द पार्टीज टू मीट हिम और ही मे कम्युनिकेट देम ओरली और इन राइटिंग। तो हाउ कैन
अ कम्युनिकेशन बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन कंसीलिएटर एंड पार्टीज। किस तरह से एक कंसीलिएटर और दो पार्टीज के बीच कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो सकता है। What is the procedure? That procedure have been mentioned under section 69. और section 69 कहता है कि जो conciliator है वो parties को invitation दे सकता है कि आप आइए और मुझसे इस particular date पर इस particular place पर मिल लीजिए। या ये कंसिलिएटर पार्टी से इन राइटिंग या ओरली भी कम्युनिकेट कर सकता है। ही मे मीट और कम्युनिकेट विथ पार्टीज टुगेदर और विथ ईच ऑफ देम सेपरेटली। तो ये कंसिलिएटर अगर चाहे तो दोनों पार्टी से एक साथ मिल सकता है या दोनों पार्टी से सेपरेटली डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पर भी मिल सकता है। तो एक ये है कि ये इनविटेशन दे सकता है कि इफ पार्टीज अग्री दे मे मीट टू द कंसिलिएटर या इस पर्टिकुलर इनविटेशन को कंसिलिएटर ये प्रपोज कर सकता है कि दोनों कंसिलिएटर इस पर्टिकुलर डेट पर मुझसे मिल लो या पार्टीज चाहे तो सेपरेटली कंसिलिएटर से मिल सकती हैं। दूसरा, unless the parties have agreed on the place where meetings with conciliator are to be held, such place should be determined by conciliator. तो अगर जो place of meeting होगा उस place of meeting को parties ने decide नहीं किया है that where they will meet the conciliator. In case parties have not decided the place of meeting with conciliator, तो जो place of meeting होगा it shall be decided by this conciliator, इस conciliator के द्वारा decide किया जाएगा। After consultation with parties से consult करके having regard to circumstances of conciliation proceedings, तो that place of meeting shall be decided by conciliator with consultation of parties, right? तो ये था छोटा सा section communication between conciliator and parties, right? तो एक बार आपको revision करा देता हूँ। देखो section 61, क्या कंसिलिएशन हमारे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में कहीं डिफाइन है? नो। सेक्शन 61 कंसिलिएशन के एप्लीकेशन एंड स्कोप से डील करता है, एप्लीकेशन एंड स्कोप से डील करता है। लेक्चर्स पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। सेक्शन 62 डील करता है कमेंसमेंट ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स। सेक्शन 63 डील करता है नंबर ऑफ कंसिलिएटर्स। तो हमने पढ़ा था कि सेक्शन 64 क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएटर्स। 65, वंस द अपॉइंटमेंट हैव बीन डन व्हाट आर द स्टेटमेंट्स व्हिच आर टू बी सबमिटेड बिफोर कंसिलिएटर। तो ये कहता है सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट्स टू कंसिलिएटर। और सेक्शन 67 रोल ऑफ कंसिलिएटर। 69 कम्युनिकेशन बिटवीन कंसिलिएटर एंड पार्टीज।
तो सेक्शन 61 एप्लीकेशन एंड स्कोप, 62 कमेंसमेंट ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, 63 नंबर ऑफ कंसिलिएटर्स, 64 अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएटर्स, 65 सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट्स टू कंसिलिएटर्स, 67 रोल ऑफ कंसिलिएटर्स और 69 कम्युनिकेशन बिटवीन कंसिलिएटर्स एंड पार्टीज। एक और सेक्शन रह गया है विच इज सेक्शन 76 जो कि डील करता है टर्मिनेशन ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स। इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।